देवास में कृष्णापुरा स्थित गवली समाज द्वारा करीब 300 वर्षों से अनोखी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। यहाँ दीपावली के दूसरे दिन बच्चों को गाय के गोबर में लेटाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि बच्चों को गोवर्धन में लेटाने पर उनका स्वास्थ्य वर्ष भर खराब नहीं होता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। क्षेत्र के अर्जुन यादव ने बताया कि गवली समाज द्वारा गोवर्धन पूजा का यह आयोजन करीब 300 वर्षों से किया जा रहा है। समाज की महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन बनाती हैं। छोटे बच्चों को स्वास्थ्य के चलते इसमें लेटाया जाता है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्वालों की रक्षा की थी। तभी से इस समाज में मान्यता हो गई कि गोवर्धन उनकी रक्षा करते हैं और इसीलिए बच्चों को गोबर में डाला जाता है। इसके पहले गवली समाज द्वारा पूरे क्षेत्र में मंगल गीत गाकर सामूहिक पूजा की जाती है। दीपावली पर्व के चलते दूसरे दिन सुहाग पड़वा का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने के चलते यह पर्व आज मनाया गया। पड़वा के दिन लोग सुबह से ही एक दूसरे से मिलने और दूसरे मिलने वाले परिवार वालों के घरों में पहुंचते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। पड़वा के दिन किसानों व पशुपालकों द्वारा गौवंश का श्रृंगार कर उन्हें सजाया जाता है। इस दौरान महिलाओं द्वारा हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए गायों की पूजा की जाती है। ये गवली मोहल्ला है और यहाँ गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। विगत 300 सालों से गोवर्धन पूजा होती है और गोवर्धन पूजा में हम छोटे बच्चों को इसमें गोबर से लेटाते हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना रहती है और विगत ये गवली समाज जो गाय वो पालन करता है वही इसको मनाता है और धूमधाम से दीपावली हमारी पूर्णतः ये आज मनाई जाती है।